हिमाचल के कांगड़ा में भी किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल किसान सभा व सीटू के साथ जुड़ी 7 किसान सभाओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू के जिला वित्त सचिव अशोक कटोच ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को कुचलने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने से जाहिर हो चुका है कि भाजपा सरकार पूंजीपति घरानों के साथ है। वह उनकी मुनाफाखोरी को सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। अशोक कटोच ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन को किसी ने हाईजैक नहीं किया है, बल्कि जनता के समर्थन से केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है उसे अंबानी और अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों ने हाईजैक कर लिया है। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। और आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है, किसान सभा और मजदूर संगठनों ने मिलकर जो है वो 3 कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन देश भर में चल रहा है उसकी एकजुटता दिखाने के लिए हमने आज ये धर्मशाला जिला हेडक्वार्टर पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि ये किसानों का आंदोलन किसी ने हाईजैक नहीं किया है, लेकिन जनता के समर्थन से जो सरकार है दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बैठी हुई है उस पूरी सरकार को ही अंबानी और अडानी ने जो हाईजैक कर लिया है। और ये सरकार सिर्फ उनका एजेंडा चला रही है, उनके जैसे बड़े कारपोरेट हाउसेज का एजेंडा चला रही है और इस देश की खेती को बर्बाद करके इस खेती को, किसानी खेती को, वो कारपोरेट खेती में बदलने पर आमादा है। इसलिए इन बिलों का जो है पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, क्योंकि ये जो बिल हैं ये किसानों को गुलामी की ओर ले जाएंगे। जो ब्रिटिश काल में जो हालत थी किसानों की उससे भी बदतर हालत जो है इन कृषि बिलों के कारण हमारे देश में होने वाली है। और ना सिर्फ किसान बल्कि आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा। जब FCI जैसी संस्था को बर्बाद कर दिया जाएगा और फूड कॉरपोरेशन इंडिया के बर्बाद होने के पास हमारे देश का सार्वजनिक वित्त प्रणाली जो है PDS जो डिपो की प्रणाली है उसके तबाह होने के की पूरे आसार हैं। और क्योंकि सरकार की मंशा इसी से पता चलती है कि वो बिजली बिल में जो सेक्शन 62 और 65 है वो ला रहे हैं जिससे किसानों को मुफ्त बिजली देने का रास्ता बंद होता है, ताकि किसान की लागत बढ़े, वो खेती छोड़े और वो अपनी ज़मीन ने जो वो कॉरपोरेट के हवाले कर दे। इसीलिए वो ठेका प्रणाली भी लेके आए हैं, इसीलिए वो कृषि बिल लेके आए हैं। इसी तरीके के जो सरकार की दूसरी नीतियाँ हैं वो सारी आम जन विरोधी हैं। और इसीलिए उन्होंने 44 श्रम कानूनों को भी ख़त्म करके जो है उसके सिर्फ 4 लेबर कोड बाकी बचे हैं। तो ये देश की जो सरकार है ये मजदूरों और किसानों दोनों पर ही भारी तरीके से हमला कर रही है। और ये पूरा का पूरा सरकार का अमला फैला जो है वो कॉरपोरेट के हित की बातें कर रहा है। इसलिए आज ये आंदोलन जो है वो हो रहा है और लोग अपने आप जो है इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.